हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आज का वीडियो रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ऊपर वीकली एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, देखेंगे कैसे मार्केट कैसे मूवमेंट किया और आगे कैसे कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हम पहले सेट करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट का अगर हम देखें तो लास्ट वीक से मार्केट कंटिन्यूसली एक गैप अप ओपन दे रही थी। यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट वीक से ही तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर से गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक में 35,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, अगेन 35,500 जाके फेल हो गई। तो इन लास्ट वीक का देखें तो फिर से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा। नहीं का अगर यहाँ से फिर से मार्केट क्रॉस करती है कहीं पे एंड समवेयर अराउंड 34,400 के नीचे आती है तो अगेन एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक का ट्रेड कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी 34,600 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दिए है, तो हम देखेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ 34,400 क्रॉस करती है तो हम लोग एक सेल का प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देख, अभी हम 15 मिनट का कैंडल सेट कर लेते हैं और अभी नेक्स्ट वीक के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ 34,800 के क्रॉस करती है तो हम एक बाय का प्लान कर सकते हैं अगेन, और वहाँ पे एक बाय का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड अगेन अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो हम लोग वेट करेंगे, अगर 35,200 ब्रेक होती है तो अगेन एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अदरवाइज हम होल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और मार्केट फेल होने का चांस रहता है। जैसे कि यहाँ पे 34,700 में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक रिकवरी मोड पे है और एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड दे सकता है। तो यहाँ पे अगर 34,800 क्रॉस करती है तो अगेन एक बाइंग का मोमेंट आ सकता है और हम एक कॉल बाय का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हैं। बट अगेन स्टॉप लॉस इज मस्ट, हम लोग देखेंगे अगर ऊपर जा रही है तो थोड़ा होल्ड करेंगे क्योंकि एक अच्छे रिकवरी मोड में है और 35,200 तक का प्लान हो सकता है। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो अगेन हम लोग देख एंड अगेन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर से देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ तक आती है। अगर 34,400 क्रॉस किया तो अगेन एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और फिर हमारा टारगेट होना चाहिए 34,000 तक का, 34,200 34,000 वहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये है निफ्टी 50 ने कैसे मोमेंटम दिया एंड नेक्स्ट वीक का क्या प्लान हो सकता है हमारा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट। लास्ट वीक का मोमेंट अगर हम देखें तो ये लगातार गैप अप ओपन हुई है, एक ही दिन मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ बट अगेन इसने कवर कर लिया और अपसाइड ही क्लोज दिया, और लास्ट वीक में देखें तो लगातार इसने अपसाइड ही मोमेंट दिया है। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट कैसा है। निफ्टी 50 ने यहाँ पे अगर हम 10 दिन का कैंडल देखें तो लगातार इसने गैप अप ओपन ही दिया है, उसके बाद लास्ट वीक का अगर देखें तो फिर से निफ्टी 50 एक डाउन साइड का मोमेंट स्टार्ट कर चुकी है एंड यहाँ पे फिर 16,000 पे आके होल्ड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 16,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है। तो लास्ट वीक का तो फ्राइडे इसने क्लोजिंग 16,050 पे दिया है, अगर 16,050 क्रॉस कर देती है तो निफ्टी 50 में एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे निफ्टी 50 एक अच्छा सपोर्ट 16,000 पे बना रखी है और लास्ट वीक का हम देख सकते हैं 16,050 पे निफ्टी 50 क्लोज हुई है एंड लास्ट वीक का कैंडल देखें तो निफ्टी 50 16,050 पे क्लोज हुई है। 10 मिनट का चार्ट सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। निफ्टी 50 का डेली कैंडल देखते हैं कैसा मूवमेंट किया है। अगर हम लास्ट टू लास्ट वीक का कैंडल देखें तो निफ्टी 50 अपसाइड ही मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, अगेन गैप हुआ था। एंड लास्ट वीक का कैंडल देखें तो लास्ट 5 डेज में निफ्टी 50 एक नीचे की ओर आने के लिए ट्राई किया बट अगेन फ्राइडे का कैंडल अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो निफ्टी 50 अगेन 16,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रखा है। तो अगर मंडे हम देखें, चलिए कैंडल अब हम 15 मिनट का सेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं मंडे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकती है। देखिए निफ्टी 50 एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है तो अगर 16,000 फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पे एक बाय का प्लान कर सकते हैं एंड अपना टारगेट कर सकते हैं 16,150 एंड 200 तक का,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है जो कि 16,050 के ऊपर है एंड 16,000 निफ्टी 50 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर ये 16,000 के ऊपर है तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग एक बाय का प्लान कर सकते हैं और 100 to 150 तक का हमारा टारगेट होना चाहिए, 100 पॉइंट to 150 तक का। एंड अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम लोग होल्ड करेंगे, इमीडिएट सेल का प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट 15,800 के नीचे आती है तो हमें एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। डाउन ओपन देती है तो अगेन हम लोग देखेंगे कि अगर 15,900 के नीचे आ गई तो हम लोग एक सेल का प्लान कर सकते हैं और उसमें एक प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन आए और वीडियो देख सके। और अगर आपको ट्रेडिंग के ऊपर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं।